अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है डे 14, हमें 14 दिन हो गए घर से निकले हुए और आज हम हैं कैंप के अंदर। ठीक है, तो ये हमने टेंट लगाया और ये रखा हुआ है हमारा सामान कुछ, ये गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी थी। और सामने से आपको व्यू दिखा देता हूँ और यहाँ पे व्यू कुछ अलग ही है। तो गाइस, वी आर एट इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, सामने पाकिस्तान है और यहाँ पे इंडिया है और बीच में नदी तैर रही है, बस और कुछ नहीं है। तो आज हम करेंगे शूट, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, देखो हसीन हसीन लड़कियाँ हैं उधर, मैं दिखाता हूँ आपको खूबसूरत खूबसूरती पाकिस्तान की। तो गाइस ये देखो लड़कियाँ जाती हुई और कितनी पब्लिक है यहाँ पे भी। कश्मीर इज इक्वल्स टू पाकिस्तान, अभी हम पूरा इसको कवर करेंगे भाई। ये देखो हनी आमिर तो नहीं आया इसमें, है ढूंढ लियो भाई। ये देखो भाई, हम चल रहे हैं अब ब्रिज की तरफ जहाँ पे फ्लैग है और वहाँ पे चल के देखते हैं भाई नज़ारे। ठीक है, सो गाइस थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया हम बॉर्डर्स पे हैं, तो ये एक जो मतलब ये दरिया है जो बह रहा है, इसको हम कहते हैं किशन गंगा और उधर बोलते हैं ये नीलम। जैसे कि आप देख भी सकते हैं वी लव नीलम, तो ये बोलते हैं नीलम और हम बोलते हैं किशन गंगा। ठीक है, तो अब अभी उधर चलेंगे और उसके बाद जाएंगे, इधर फ्लैग है तो फ्लैग्स पे जाएंगे, यहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने अपने पाकिस्तानी फ्लैग भी लगा रखे हैं, देखो नीलम के ऊपर आपको पाकिस्तानी फ्लैग दिख रहे होंगे। तो अभी हम उधर की तरफ चलते हैं, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे सारे ये पाकिस्तानी लोग हैं। तो गाइज वो देखो, सबसे पहले पुलिस की वैन, नीले कलर की जीप, और वहां पे लिखा है वेलकम टू अपर नीलम टूरिस्ट विलेज। तो यहाँ से टूरिस्ट विलेज जाता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर सारा वो पाकिस्तान है, नीचे से आपको दिखा देगा यार। ठीक है, तो सारा पाकिस्तान है और इधर भी पाकिस्तान है। ये गाड़ियां चलती भी दिख रही हैं, ये कौन सी गाड़ी गई है, पुरानी गाड़ी है कोई? हाँ बहुत काफी पुरानी गाड़ी है भाई, उधर एक पर्पल कलर की खड़ी हुई है। और ये आंटी देखो क्या लेके जा रही है, ये पाकिस्तान के अंदर है भाई। उधर कुछ पता नहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा है, काफी कुर्सियां वर्सियां लगी हुई है उधर की तरफ। वही पूछते हैं हम, हमारे साथ दोस्त है हमारा एक, वो बताएगा हमको सब चीजें क्योंकि वही हमें गाइड कर रहा है। बट वो बोल रहा है कि भाई वीडियो में ही आऊंगा। मैंने चल ठीक है भाई बताना, लेकिन ये गंदगी मत फैलाया करो भाई, कहीं भी आके ये गंदगी मत फैलाया करो, प्लीज 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 ये गंदे काम मत किया करो यार। डस्टबिन रखे हुए हैं, आप उनको यूटिलाइज करें लेकिन नेचर को बर्बाद ना करें। ठीक है, उधर भी है देखो एक पॉइंट, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हम चलेंगे उधर की तरफ और देखते हैं चल के। सो गाइस हम करते हैं थोड़ा वेव ऑफ और करते हैं सबसे पहले सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अभी क्या हाल है, ये देखो भाई। सो गाइस आप केरन वैली आओगे तो यहाँ पे आके बैठना यार, यहाँ पे अलग ही मजा आता है। चारों तरफ पत्थर है और बीच में आप यहाँ बैठे हो, पैर डाल के बैठ सकते हो यहाँ पे और सामने आपको मिलेगी पब्लिक। बंटवारा 47 में हुआ है, तब हम पैदा ही नहीं हुए। तो मतलब पहले से सहूलतें ज्यादा हैं या कम है? सहूलतें काई की, जीरो लाइन तो कहाँ से सहूलतें आई, यहाँ तक पहुँचता ही कोई नहीं। हाँ यहाँ तक तो आते ही कोई नहीं है। हम लोग आ जाते हैं बस कि यहाँ के कुछ मिल जाए। आप भी कभी मतलब किसी मजबूरी से आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं सोचा एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से लोग अपने मतलब लाइफ को यहाँ पे वो करते हैं, तो यहाँ मतलब कैसे रहता है यहाँ पे सब कुछ? बस ये रूटीन वर्क से ही चलते हैं, बस बस और कुछ नहीं। एलओसी मतलब उधर आप लोगों को परेशानी नहीं होती जाने में? किधर? नहीं नहीं, क्या उधर। और यहाँ पे लोग जो करते मतलब जैसे यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं बहुत सारे, तो उनका बिहेवियर वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है? ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं यहाँ पे? जो नहीं, मतलब कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होती सर। और वहाँ से? वहाँ से भी कोई परेशानी नहीं, जब से सीज फायर है तब से आराम है। आराम है सीज फायर की वजह से? आराम है हाँ, वरना उससे पहले फाइट चलता था, दोनों फाइट चलता था इसी जगह पे, ये सामने ये टेकरी पे वो बैठे हैं पाकिस्तान की फौज। अच्छा, इस यहाँ पे ऊपर? हाँ, उस साइड में हमारे वाले बैठे हैं, उधर वाली पहाड़ी पे इंडियन आर्मी बैठी हुई है, इंडियन आर्मी बैठी है, बीएसएफ वाले बैठे हैं, तो ये उसमें क्लास फायरिंग करते रहते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक फायरिंग हुई है?
नहीं इधर नहीं हुई, उधर की तरफ हुई। हाँ, तो हुआ एक फायर हुआ था, वो किसी गाड़ी की वजह से हुआ था कुछ। नहीं हो सकता है, ये तो कोई बड़ी बात, एक सिंगल शॉट, एक सिंगल शॉट आया था, एक सिंगल शॉट हो सकता है। तो जब से सीज फायर हुआ है, जब से आराम है, जब से आराम, अल्लाह का शुक्र है जब से। तो यहाँ पे मस्जिद भी होती है, यहाँ पे मस्जिद भी है पास? हाँ जी बिल्कुल, मस्जिद भी है। अब ऊपर मैंने देखा था मंदिर भी है जी, गुरुद्वारा मंदिर नहीं है, गुरुद्वारा ये तो गेट पे जो उन्होंने बनाया वही वही है, लेकिन अब मस्जिद यहाँ पे है, मस्जिद जामे भी है, दूसरी भी है, गाँव की मस्जिदें भी है। अच्छा, और ये पूरा यहाँ से उधर की तरफ पाकिस्तान है ऊपर, ये कितनी दूर तक है अंकल? ये तो काफी दूर है, ये जाकर आगे तहापट में गुरेज से मिलता है, गुरेज से मिलता है। गुरेज भी बहुत अच्छी जगह है मैंने सुना है, वहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही सीन है। जी जी बिल्कुल, नहीं वैसे वो वहाँ दरिया दोनों साइड जो है, गुरेज में कंजरवन तक हमारे पास है दोनों साइड। अच्छा, फिर कंजरवन से उनके पास चला जाता है पूरा ही, फिर यहाँ से आके हमारे पास आता है। मतलब ये ऐसे आता है गुरेज से पहले अपने पास, फिर उधर, फिर यहाँ के रहना के अपने पास। हाँ, फिर आगे जाएगा 7-8 किलोमीटर, फिर उनके पास चला जाएगा, उनके पास, फिर दूर से उनके पास ही रहता है। मतलब ये है सीन जी। और यहाँ पे मतलब आप कहाँ पे रहते हैं? आपका यहाँ पे कहाँ पे घर है? मेरा वो गरीब खाना है, गरीब खाना, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, छत है तो बहुत बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम जैसे मजदूरों को भी बिल्कुल बिल्कुल दो टाइम की रोटी आराम से देता है। बिल्कुल, उस आदमी को कोई तकलीफ नहीं है जिसके अंदर हेरा फेरी नहीं है, जिसके अंदर ईमानदारी है, ईमान है, राय के दाने के बराबर ईमान है ना, उसको परेशानी नहीं है। नहीं परेशानी नहीं है, क्योंकि जो गड़बड़ गड़बड़ करेगा वो फंसेगा। बिल्कुल है ना, वो फंसेगा ही, जो जहर खाएगा वही मरेगा, दूसरा तो बिल्कुल बिल्कुल हक बात है, हक बात है। तो यहाँ पे घर ऐसे ही होते हैं। ठंड होती है अंकल यहाँ पे? हाँ ठंड तो होती है, बर्फ भी पड़ती है, बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे, 5-6 इंच तक बर्फ पड़ती है। तो गाइस अंकल ने आपको, आपका नाम क्या है? तो नाम पूछ रही हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। आपका, उनका नाम है मोहम्मद अशरफ, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। तो गाइस बताया आपको हर एक चीज के बारे में। तो गाइस ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये कम से कम 80-90 साल पुराने घर है, मतलब ये आजादी से पहले के हैं यार, इतने पुराने घर। और तो कितने कितने बड़े घर हैं भाई, पूरे लकड़ी के बने हुए, और इनकी लकड़ी अभी तक खराब नहीं, ना रिपेयर हुए हैं तब से। ओफो, अभी मैंने पूछा यार उससे, तो वो बता रहा है मेरे को कि भाई ये इतने पुराने घर है। मैंने क्या बात है भाई। तो इधर ये खेती वगैरह होती है, तो अंकल अपना खेती से गुजारा करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और इधर ये छोटी मोटी खेती होती है। तो गाइज ये काम इंडिया में नहीं होते, ये काम पाकिस्तान में भी होते हैं। ये देखो, दो बच्चे आगे बैठे हैं, एक पीछे, चार लोग बाइक के ऊपर, देख रहे हो आप? तो ये काम इंडिया में नहीं होता भाई, हर जगह होता है। ये देखो अनूना है ये, जो आप देखते हो रील्स वगैरह में। तो गाइज यहाँ पे ना काफी टूरिस्ट आते हैं, अभी मैंने पीछे देखा काफी टेंट्स लगे हुए थे इधर की तरफ, और यहाँ पे इतने सारे टेंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और उधर की तरफ भी है जहाँ पे हमारा टेंट था, वो उधर लेके चल रहे हैं आप लोगों को, और फिर दिखाएंगे आपको जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो गाइज ये लगे हुए हैं टेंट सारे, जो कि जहाँ पे हम रुके हुए थे, ताहिर होटल नाम है इनकी हट सामने है, ठीक है, इनका घर है, उसके आगे पोस्ट ऑफिस है। आपको बस पूछना है जब आप आओगे तो पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस में ही इनका घर है, जहाँ पे ये आपको सब चीज़ें बता देंगे। ये खेत भी इन्हीं लोगों का है, ठीक है। अभी चलते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूँ मैं, आप जाके कॉन्टैक्ट करें, किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करना है आप इजीली मालूम कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्री बुक भी कर सकते हैं सब चीज़ें, और बहुत रीजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है ओवर प्राइस्ड हो। खाना वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। तो रात में जब आया तो भाई ने मेरे को खाना वगैरह सब खिलाया, चिकन के साथ चावल, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज ये लिखा हुआ है केरन कैंपिंग कुपवारा, नियर पोस्ट ऑफिस केरन, ये बुकिंग कॉन्टैक्ट है, ईमेल आईडी नीचे दे रखी है, आप आएँ और कॉन्टैक्ट करें। भाई का घर इधर से दिख रहा है आपको, और इधर वॉशरूम्स वगैरह भी है, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप आओ। और नहाने के लिए तो भाई ये है ही, ओपन में नहाओ भाई, कभी कभी मज़ा आता है नहाने में, ठीक है। तो हम सीधे चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो गाइज यहाँ पे है इंडियन फ्लैग, और इधर की तरफ अगर आप देखेंगे आके, तो यहाँ पे भी ये स्टार्ट करना है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे ये कुछ बनाएंगे पाकिस्तान में, और वहाँ पे घोड़ा वगैरह सब कुछ चल रहा है भाई।
तो हम सीधे चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और यह है रास्ता, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वो 1 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा दूंगा गाइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपकी गाड़ी भी इधर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो गाड़ी पहले ही खड़ी करवा देते हैं पीछे की तरफ, और ये रास्ता ऐसा है कि आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तो इधर की तरफ से हम जाएंगे, इधर दरिया बह रहा है और हम ऐसे ही ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, क्योंकि अभी भाई ये रास्ता तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप पैदल चल के निकल जाओगे, लेकिन जहाँ से मैं गाड़ी लेकर आया हूँ ना, इट्स नेक्स्ट टू पॉसिबल कि भाई मेरी गाड़ी कैसे आ गई यहाँ तक। तो मैं आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने सुना है कि टेंडर वगैरह पास हुआ है, रोड वोड बनेगा, बट एज यू नो गवर्नमेंट कितनी जल्दी काम करती है, ठीक है। तो हम अभी चलेंगे, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, हम सीधे जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, ये हम ऐसे घूम के जाना है। सो गाइज, ये है इतना ख़तरनाक रोड और इस पर मुझे गाड़ी चढ़ानी है, अलग ही टास्क है भाई। अयान को मैंने बाहर खड़ा किया है, अब देखूंगा गाड़ी चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। जहाँ ये लोग आ रहे हैं इतनी चढ़ाई है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, बहुत खतरनाक। आयान अद्धे वक्त लगाएगा तब गाड़ी चढ़ेगी भाई। ओफ, बहुत ही टिपिकल है भाई यहाँ आना ना, बस कुछ मत पूछो। मेरी अकेली सेडान है और ऊपर से लोअर्ड है, तो अब देखते हैं भाई किस तरीके से चलती है। सो गाइस, जो लोड अल्टो जैसी गाड़ी अड़ गई है यहाँ पे, देखो वापस जा रही है, तो मैंने सोचो अपनी गाड़ी कैसे निकाली होगी और बिना कुछ नुकसान हुए हैं यार, पहली बार मैंने कुछ इस तरीके से करा कि न बम्पर लगाया ना कुछ। तो भाई भाई लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे यार, लोगों ने मतलब ये परवाह नहीं की कि धूल है, ठीक है, और मेरी गाड़ी निकल पाई है। तो लोड अल्टो, वो भाई आ रहे हैं, ये देखो भाई गाड़ी इस तरीके से निकलती है, ये देखो ये फिर अटक गई। अब ये सोचो भाई मेरी गाड़ी में इतना ज़्यादा लोड है तो कितना, मतलब किस तरीके से मैंने गाड़ी निकाली, ये देख रहे हो आप। इतना तो एक तो स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ऊपर से भाई इस तरीके, ये देखो ये इस तरीके से मिट्टी है, तो ये देखो किस तरीके से पत्थर पड़े हुए हैं। तो भाई की गाड़ी हम निकलवाए क्योंकि भाई ने हमारी गाड़ी निकलवाई थी, तो भाई लोगों की गाड़ी निकलवाते हैं हम लोग। ये देखो भाई ये अधे, चल चल निकल जाएगी निकल जाएगी, मत लेके जाओ पीछे। गाइज ये इतना गंदा रोड है, यहाँ गाड़ी भी नहीं चल रही है, बहुत ही मुश्किल से गाड़ी चलेगी भाई, यहाँ कैसे करें हम, गाड़ी ही बंद हो गई। मैं तो ये सोच रहा था बस वहां तक की दिक्कत है, मगर ये तो बहुत बहुत तकड़ी दिक्कत है भाई। नीचे से ही ले जानी पड़ेगी भाई, तो गाइज हम लोग फिर फंस गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और भाई लोग आ रहे हैं दोबारा निकलवाने के लिए गाड़ी, अब मैं यहाँ से निकालूंगा तेज आरपीएम करके थोड़ा। सो गाइज ये रास्ता देख लो, मुझसे स्पेशली बोला गया था कि रास्ते की वीडियो जरूर बनाना, क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा गंदा है और अभी तक गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, कहीं से कहीं तक कोई कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रहा, और भाई अपनी गाड़ी तो इतनी ज्यादा लगी है ना, बस मैं क्या बताऊँ, पत्थर ही पत्थर लगे नीचे। अब ये पता नहीं नीचे कुछ नुकसान हुआ है या नहीं, ये देखो रात मैंने यहाँ पे कैसे चढ़ाई होगी गाड़ी, तो आप सोचो, क्योंकि वो तो भाई लोग रात साथ में थे तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा निकल गए, बट ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यार, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए सीरियसली, कि आने वाला इंसान तो साला आता है घूमने के लिए लेकिन वो टेंशन में मर जाता है। ये देखो आप कितना खतरनाक रोड है, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसके ऊपर ढील छोड़ो, इसके ऊपर भाई ढील नहीं छोड़नी है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई जल्दी से करें, क्योंकि अगर कोई मेरे ऐसा बंदा आएगा सेडान लेके तो वो तो पागल ही हो जाना है, मेरा बम्पर दूसरी बार इस रास्ते पे बम्पर टूटा है मेरा। तो गाइस आप ये देखो ये इतना खतरनाक है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, ये देखो ऐसे इधर से है ये,
ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अपसाइड भाई स्ट्रेट। ये लगा लो ब्रेक, लगा के रोकनी पड़ रही है गाड़ी। अब ये देखो सामने पानी पानी मिलेगा आपको, यहाँ पे पानी है। तो भाई गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्दी से कुछ ना कुछ एक्शन ले, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, आप बम्पर मेरा तोड़वा चुके हैं, ये अगर ये काम हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग ऐसा नहीं है, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ तो लोग आते ही हैं और आएंगे भी। तो यहाँ पे कल कल में ना 7,000 लोग आए थे, तो 7,000 लोगों का मतलब ये है कि वो लोग आए थे टाटा सुमो में, जो यहाँ पे टैक्सी चलती है, बस वही रिलायबल है चलने के लिए। हम जैसे अगर पर्सनली गाड़ी लेके आएंगे तो फिर तो यार नुकसान ही होगा हमारा। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू द गवर्नमेंट, इस चीज़ को प्लीज़ सही करें, क्योंकि पहले ऊपर तक रोड बहुत अच्छा है, बट ये 6-7 किलोमीटर का रोड है जो ख़राब है। माशाल्लाह ऊपर तक रोड बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्लोज कर दो क्योंकि ये बेस कैंप है। तो गाइस ऐसे रुकना पड़ता है, सामने से गाड़ी आ रही है, क्योंकि आरपीएम बना के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर से सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी ना तो फिर तो आपके लग गए, क्या वो समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो हम सीधे, अब देखो क्या इतना खतरनाक रोड है ना, ऊपर से एक तो बम्पर की टेंशन, ऊपर से फिर यहाँ चढ़ाने की टेंशन। रात कैसे निकाली हमने यहाँ से भाई? रात के बज रहे थे 10 जब हमने गाड़ी यहाँ से निकाली है, ना बंदा ना बंदे की जात। हम कैसे किस तरीके से गाड़ी निकाली है हमें पता है। साथ कौन था? साथ बस अयान बादशाह, अयान ही था हमारे साथ में भाई। और बस बात क्या बताऊं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हेल्पफुल हैं, उन्होंने अपने, एक पीछे मेरे ऑल्टो आ रही थी उन्होंने रोके, वो 3-4 बंदे थे वहाँ पे, तो उन्होंने धक्का लगवा के मेरी गाड़ी ऊपर चढ़वाई है। तो यार ये मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ भाई, कोई आ रहा है ना इस टाइम आके दिखाओ, वो भी सेडान से, अगर बिना टूटे फूटे गाड़ी लेके जाओगे ना तो सलाम है भाई आपको। मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो कि अभी तक मेरी गाड़ी में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, बट ओपन चैलेंज है भाई, जितनी लोअर्ड मेरी गाड़ी है ना इतनी लोअर्ड गाड़ी ला के दिखा दो यहाँ पे। एक सेडान नहीं दिखी है मुझे, एक सेडान भी यहाँ पे, एक सेडान अकेली वाहिद मेरी गाड़ी थी जो सेडान थी यहाँ पे, जो इतनी दूर तक आई है। तो भाई बहुत चैलेंज मारते हैं ना लोग कि भाई मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे ले जाऊँगा, मैं वहाँ ले जाऊँगा, तो भाई ओपन चैलेंज देता हूँ मैं, लेके आओ। गाइस ये रास्ता और देख लो भाई आप लोग, ये ऊपर कैसे चढ़ाना है, यहाँ बम्पर तो लगेगा भाई, देखी जाएगी। भाई टायर के टायर घिस रहे हैं भाई, बहुत बुरी तरीके से, टायर की इतनी स्मेल आ रही है ना, एक बार में चढ़ा रहा हूँ गाइस, एक बार में गाड़ी चढ़ रही है ऊपर अल्लाह के शुक्र से, और वो भी इतनी नीची गाड़ी, और अब नहीं लग रही है बिल्कुल भी। हाँ अब नहीं लग रही, जहाँ सीधा रोड होगा वहां लगेगी। भाई यहाँ पे खंबा गिर गया, तो यहाँ पे पत्थर वगैरह लगे हुए, ये खंबा लग रहा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे खंबा गिर गया भाई, बहुत संभाल के लेके जानी पड़ेगी गाड़ी भाई यहाँ पे। भाई सीरियसली ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई सेडान ले आओ इतनी नीचे, वीडियो बनाना प्रॉपर जैसे मैंने बनाई है इस रास्ते की। ठीक है ना, दिखा रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज कैसे करके चढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो पूरे शीशे गंदे हो गए, अंदर तक मिट्टी आ गई है। आगे मैं दिखाऊंगा भाई, अभी तो बहुत रास्ता है। चेक कैमरामैन, जल्दी फोकस करो, ये देखो गाइस यहाँ फंसी थी रात हमारी गाड़ी, ये देखो पानी चलता रह रहा है भाई। अभी भी मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ इस चीज़ पे काम कराए गवर्नमेंट यार, लग गया बम्पर भाई, मुबारक हो यहाँ। ये देखो आगे चल के देखेंगे अभी बम्पर, ठंड में रोकेंगे गाड़ी, तो लग चुका है 110%, मैं बता रहा हूँ बम्पर लग चुका है, बट हम गाड़ी लाएंगे इधर। देखो गाइस अंदर पहुंच गया बम्पर, अभी इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, जो मुझे पता था ये होना है, दूसरी तीसरी बार बम्पर लग चुका है यहाँ पे, मैं इसमें दूसरा जब निकलूंगा ना अभी यूपी पहुंचूंगा तो इसमें काम कराना है, तो अभी ये देखते हैं। सो गाइस गाड़ी देख लो कितनी गंदी हो चुकी है भाई, ये देखो हालत,
ये उस टाइम से भी ज्यादा गंदी है जो मैंने पहले दिखाई थी ना, जब हम रजौरी से आ रहे थे, उससे भी ज्यादा गंदी होगी ये। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो हर हमें उससे मिलता है भाई, बम्पर टूटने का हिसाब के साथ। ये देख लो एक बार गाड़ी, अभी हम जाएंगे और गाड़ी को धुलवाएंगे। वो आज तो ऊपर से भी गंदी है, ये देख आज तो ऊपर से भी गंदी है। तो अभी हम चलते हैं सीधे श्रीनगर, श्रीनगर से थोड़ा बहुत देखेंगे, वॉश वॉश कराएंगे, फिर सीधे निकलेंगे सोनमार्ग। जल्दी चलते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा केरन वैली के बारे में, किस तरीके से रास्ते थे केरन वैली के और कितना सपोर्ट किया है, मतलब आर्मी ने, मतलब स्पेशली उन्होंने हर एक चेक पॉइंट पर रोका है, बात की है, हर एक चीज़ बताई है, स्पेशली कि इस तरीके से जाना। और यहाँ पे अभी सीज फायर लगा हुआ है तो कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज दैट आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से मिलता हूँ नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।